हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसमलाई रेसिपी, जो कि मैं एक गिलास में आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया रसमलाई बनाकर दिखाऊंगी। आप लोगों को वो बहुत ही पसंद आएगी। उसके लिए आपको बाहर से कोई इंग्रेडिएंट लाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मैं घर के ही इंग्रेडिएंट से बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने अपनी गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और अब मैं अपने गैस को ऑन कर दूंगी और इसमें डालूंगी मैं एक गिलास दूध। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मैं इसमें सिर्फ एक गिलास दूध डाल के ही आपको। तो देखिए, मैंने एक गिलास दूध लिया है, ये मैं अपनी कढ़ाई में डाल दूंगी और इसी से ही मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रसमलाई। तो ये मेरे गिलास पर जो मलाई आई हुई थी वो भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। मैंने ये रात को दूध बॉईल करके रख दिया था, इसलिए यह मलाई इसके ऊपर आ गई है। और अब मैं इस अपने दूध को अच्छे से बॉईल कर लूँगी। आपको अपना दूध तब तक बॉईल करना है जब तक यह अच्छे से पक नहीं जाता और यह गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉईल होने लगा है, आप देख सकते हो। हमें इसे इसी तरह हिलाते रहना है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें केसर की जगह डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। कई बार ऐसा होता है कि केसर बहुत महंगी होती है और हमारे घर में केसर अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए केसर की जगह मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है और अगर हम हल्दी का प्रयोग करें तो यह हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर इसे हम दूध में डालकर पीते हैं तो यह है, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। हल्दी के फ़ायदे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हल्दी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो हम येलो करने के लिए इसमें हल्दी डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉईल हो रहा है, उसे हम इसी तरह बॉईल होने देंगे और इसी में हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, जो कि मैंने काजू बादाम और पिस्ता थोड़े से कट कर रख रखे हैं, वही मैं अपनी दूध में डाल देती हूँ और इसे इसी तरह बॉईल होने देती हूँ जब तक यह गाढ़ा नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका येलो कलर हो चुका है, बिल्कुल जैसे कि हम केसर डालते हैं वैसा तब होता है, वैसा हमारा दूध हो चुका है। देखिए, इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक यह बॉईल होकर बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। अभी हम इसे थोड़ा सा बॉईल और करेंगे। जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम अब ब्रेड ले लेते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने 3 से 4 ब्रेड ले लिए हैं और अब मैं ब्रेड से ही आपको ये, तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ब्रेड से ही आपको ये वो बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा बेलन से, तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड फ्लैट हो चुका है। इस तरह मैं इसे उकर कर बेलन से इसे घुमाकर अब इसे एक इस प्रकार के गिलासे से इसे कट कर लूँगी और इसकी चारों तरफ का ब्रेड निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे टिक्की के आकार का यह स्लाइस निकल कर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक तरफ प्लेट में रख लूँगी। इसी प्रकार मैं इसकी चारों तरफ से इस पर इसी तरह स्लाइस निकाल लूँगी और बीच बीच में अपने दूध को भी हिलाती रहूँगी। बीच बीच में मैंने अपने दूध को भी हिला दिया है और सभी ब्रेड को इसी प्रकार लूँगी और इसे हल्का सा बेलन लगा के। फ्रेंड्स, आप एक बात का खास ध्यान रखें कि ब्रेड आप ताज़ी ही लें, बासी ब्रेड से ये बिल्कुल ही बनेंगे, क्योंकि अगर बासी ब्रेड आप लोगे तो बासी ब्रेड आपकी टूटने लगेंगे। इस प्रकार मैं इसकी स्लाइस बना बना के निकाल लूँगी। आपको जितनी भी अपनी रसमलाई बनानी है उतनी आप इसी प्रकार बना लीजिएगा। और कमाल की बात तो यह है, सिर्फ एक गिलास दूध में ही आपकी ये रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। उस दूध को फाड़ के और उसकी उसे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और यह इतनी टेस्टी रसमलाई बनेगी कि आप जो दूध की रसमलाई बन के आती है उसे भी खाना भूल जाओगे। हाँ फ्रेंड्स, यह बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने 5 से 6 ब्रेड अपने इसी तरह कट कर लिए हैं। अब हम अपने दूध की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूध कि हमारे दूध की कंडीशन कैसी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल रबड़ी जैसा।
वो आपको दिखा ही दे रहा होगा। देखिए हमारा एक गिलास दूध बिल्कुल गाढ़ा होके रबड़ी के जैसा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी ताकि हमारा दूध ठंडा हो जाए, और तब तक मैं अपनी रसमलाई तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक चक्कल उठा लिया है अपने ब्रेड का, और इसके चारों तरफ मैं दूध लगा दूंगी, और बीच में मैं रख दूंगी अपने काजू और बादाम और पिस्ते का पेस्ट, और अब दूसरा इसी के ऊपर उठा के इसे चिपका दूंगी। तो देखिए आप देख सकते हैं यह चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक चुका है, क्योंकि मैंने इसकी चारों तरफ दूध लगा लिया था। तो देखिए आप देख सकते हैं यह है, बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक गया है। अब हम दूसरा ब्रेड भी इसी प्रकार उठाएंगे और इस चक्कल पर भी अपना काजू बादाम और पिस्ते का वो रख देंगे, और इसकी चारों तरफ दूध लगा लेंगे। देखिए मैंने इसके चारों तरफ दूध लगा लिया है, और इस चक्कल को उठा के इस पर चिपका देंगे। तो देखिए यह भी बहुत अच्छे तरीके से चिपक गया है, इसे भी हम इसी प्रकार रख लेंगे। फिर तीनों पर हम इसी प्रकार ड्राई फ्रूट्स की वो लगाकर इसे चिपका देंगे। तो देखिए इसके चारों तरफ से हम इसे इस प्रकार चिपका देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। और अब हमारा दूध भी ठंडा हो चुका है। अब तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब अपने ब्रेड की रसमलाई बनाकर रख ली है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो कि हमने दूध बॉईल किया था, वो उसी से तो हमारी रसमलाई रसमलाई जैसी लगेगी। देखिए हमारा दूध कितना गाढ़ा हो चुका है, और अब इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है, मैं सभी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन अच्छी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा केसर के धागे भी डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर केसर भी डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रस मलाई बनकर तैयार हो चुकी है, यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, जितनी ये दिखने में अच्छी दिख रही है, उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रस मलाई बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी की वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो देखिए मैं अब आपको इसमें से तोड़ के भी दिखाऊंगी। वाव, देखिए हमारी ब्रेड ने सारा दूध पी लिया है, हमारी रबड़ी हमारे ब्रेड में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर इस रसमलाई को आप एक बार बनाकर खा लोगे तो आप बार बार ही बनाकर खाओगे, और यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगले एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।